भरोसा है वो नहीं पड़ रहा। अभी भी न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 30,400 रुपए के लक्ष्य ले और करीब 30,644 की जो है कल की क्लोजिंग है। एलएनटी पर नजर रहेगी, यहाँ पर ये मान रहे कि केपेक्स साइकिल में एक पिकअप देखने को मिल रहा है और अगले 3 से 4 साल में जो है बढ़िया केपेक्स भारत में देखने को मिलेगा और इसका बड़ा बेनिफिशियरी एलएनटी। इसके चलते सीएलएसए खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं 1,950 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब करीब 1,697 की कल की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो इनसे ज्यादा बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं 2,105 रुपए के लक्ष्य के लिए। हिंडाल्को पर दो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ पर इनके नोवेलिस के अच्छे प्रदर्शन और एल्यूमिनियम में जो बढ़िया उछाल और तेजी आई है इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। सीएलएस जो है खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य इन्होंने 535 से सीधा बढ़ाकर 570 कर दिया है, 478 कल की क्लोजिंग है। और वहीं जेफरीज अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे और इन्होंने लक्ष्य 560 से बढ़ाकर 610 रुपए कर दिया है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1,850 के लक्ष्य के लिए, 1,548 कल की क्लोजिंग है। बीपीसीएल पर नजर रखेगा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 510 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन्होंने जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच की श्रेणी में स्टॉक को डाल दिया है और ये कह रहे कि इससे पहले जब डाला था तब उसके बाद करीब करीब 50 रुपए की बढ़त यहाँ पर आ गई है और अब प्राइवेटाइजेशन पर फोकस रहेगा जिसके चलते स्टॉक पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। जोमैटो पर कल जो है फाउंडर के एग्जिट की खबरें आई थी, इसके बाद मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 140 रुपए के लक्ष्य ले, हालांकि 144 ही कल की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि इससे जो है बिजनेस पर कोई भी मटेरियल इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और अंत में गुजरात गैस, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 920 के लक्ष्य ले।